हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आजकल हम लोग बात कर रहे हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी की, और ये लेक्चर नंबर 7 होगा। आई होप आपने 1, 2, 6 देख लिया होगा। अगर नहीं देखा है तो पहले 1, 2, 6 लेक्चर देखें, फिर इस 7th लेक्चर देखें तो आपको समझ में आएगी। करंट इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 7 हम लोग किस बात पर, किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं, ये पहले सीखते हैं। इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे इंटरनल रेजिस्टेंस का, थर्मल पोटेंशियल डिफरेंस का, और सेल के बारे में कि सेल का कम्बिनेशन कैसे होता है और उससे रेजिस्टेंस पे किस प्रकार का असर होता है। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस का। व्हाट इज इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल। सेल के बारे में आप सब लोगों को पता है, ड्राई सेल आप सब लोग यूज कर रहे होंगे और करते भी हैं, जैसे टॉर्च में, रिमोट की बैटरी में, एसी की बैटरी में, है ना। तो ये सब ड्राई सेल आप इस्तेमाल कर रहे हैं। इवन कंप्यूटर में आपके सेल लगते हैं और भी जगह, कई जगह सेल लगते हैं, तो ड्राई सेल के बारे में आपको पता होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस ये क्या होता है। जब कोई सेल हम लेते हैं, जैसे सेल का सिंबल ये है बेसिकली कि ये माइनस ये प्लस है। इस सेल के अंदर जो सेल बना होता है उसके स्ट्रक्चर पे अगर बात करें, तो इस सेल के अंदर जैसे एक टॉर्च में जो बैटरी लगती है उसकी बात करें, तो इसमें एक इलेक्ट्रोड्स होते हैं, चाहे जो भी दो इलेक्ट्रोड्स हो सकते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव, एक दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं। दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं, एक पॉजिटिव टर्मिनल एक निगेटिव टर्मिनल की तरह काम करता है। अगर हम कोई लिक्विड वोल्टामीटर लें तो इसमें ऐसा हो सकता है। उसके बाद ये जो प्लेट जिसमें बनी होती है, ड्राई सेल आप बैटरी, जो कार वार में बैटरी लगती है उसके अंदर आप देखेंगे, तो उसके अंदर प्लेट्स होती है, दो प्लेट्स होती है, उसके बीच में सॉल्यूशन होता है, जिस सॉल्यूशन को हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में ये ए है, एरिया ऑफ प्लेट, ये प्लेट्स हैं, इनके बीच में जो सॉल्यूशन होता है उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स, इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है ना। और जो दो रॉड होती है, जिसको हमने कहा कि दो रॉड होती है, इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोड, जो इस लिक्विड में पूरी तरह से डूबा हुआ रहता है, तो इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोड्स, जो पॉजिटिव और निगेटिव टर्मिनल इलेक्ट्रोड्स। ये प्लेट जो है वो पूरी तरह से डूबा हो सकता है, थोड़ा सा डूबा हुआ हो सकता है, और पार्सली भी हो सकता है, मतलब पूरा हो सकता है या पार्सली हो सकता है। तो इस इलेक्ट्रोड्स और इलेक्ट्रोलाइट्स जो है ये रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करते हैं जब करंट इनके अंदर फ्लो होती है। तो इलेक्ट्रोड्स और इलेक्ट्रोलाइट्स जो रेजिस्टेंस, जो भी रेजिस्टेंस ऑफर करते हैं, ऑब्स्टिकल प्रोड्यूस करते हैं व्हेन करंट फ्लोइंग थ्रू इट, तो उसको हम कहते हैं सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस। ऐसा कोई एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इसमें नहीं लगाया गया, बट सेल के इलेक्ट्रोड्स और इलेक्ट्रोलाइट्स मिल करके जो रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करते हैं उसको हम कहते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस। तो इसका एक डेफिनेशन हो सकता है कि इज डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय इलेक्ट्रोड्स एंड इलेक्ट्रोलाइट्स, ऑफर्ड बाय इलेक्ट्रोड्स एंड इलेक्ट्रोलाइट्स, लाइट्स वाइल करंट इज फ्लोइंग थ्रू इट, करंट इज फ्लोइंग थ्रू इट, थ्रू इट, ठीक है। ऑल्दो इट इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, बट इसके कुछ फैक्टर्स है जिसपे ये डिपेंड करता है। द फैक्टर्स ऑन विच इंटरनल रेजिस्टेंस डिपेंड्स, द फैक्टर्स ऑन विच इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल डिपेंड्स, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल डिपेंड्स, फर्स्ट व्हाट इज द फैक्टर्स। फर्स्ट दैट इलेक्ट्रोड्स, द नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड्स, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड्स, ठीक है। दूसरा होता है द नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, इलेक्ट्रोलाइट्स,
लाइट्स, तीसरा होता है द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स प्लेट्स, और चौथा होता है एरिया ऑफ द प्लेट विच इमर्स्ड इन द इलेक्ट्रोलाइट्स, इलेक्ट्रोलाइट्स जो इलेक्ट्रोलाइट्स में डूबा हुआ एरिया, उस पर डिपेंड करेगा। अगर एरिया बढ़ेगा तो क्या होगा बताइए, रेजिस्टेंस घटेगा। एरिया इंक्रीज करेगा तो रेजिस्टेंस घटेगा। विथ इंक्रीज इन एरिया, इंक्रीज इन एरिया इंटरनल रेजिस्टेंस डिक्रीजेज, इंटरनल रेजिस्टेंस डिक्रीजेज, राइट। अच्छा एक और चीज, एरिया बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ए है कि एरिया बढ़ेगा तो इंटरनल रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा। दूसरा, अगर फ्रेश बैटरी हम बनाएं, कोई फ्रेश बैटरी लें, तो उसका इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत लो होता है। फॉर फ्रेश बैटरी, फ्रेश बैटरी या सेल, इंटरनल रेजिस्टेंस इज, फ्रेश सेल इंटरनल रेजिस्टेंस इज वेरी लो, इंटरनल रेजिस्टेंस इज वेरी लो, बट विथ रिपीटेड यूज, बट विथ मोर यूज द रेजिस्टेंस इंक्रीजेज, रेजिस्टेंस इंक्रीजेज, ज्यादा इस्तेमाल करने पर धीरे धीरे रेजिस्टेंस बढ़ता जाता है, और जब बैटरी बहुत पुरानी हो जाती है तो रेजिस्टेंस लगभग लगभग बहुत हाई हो जाता है। बाद में उसमें करंट, जब रेजिस्टेंस हाई हो जाता है तो करंट फ्लो नहीं करता, तब हम कहते हैं कि बैटरी बेकार हो गई है और उसको आप रिप्लेस कर देते हैं। ये बैटरी कितनी बार चार्ज हुई, कितनी बार डिस्चार्ज हुई, उससे इसका आइडिया लगेगा। तो किसी किसी बैटरी की लाइफ होती है कि ये 10,000 बार चार्ज और डिस्चार्ज होगा, तो उसकी रेजिस्टेंस 10,000 बार में बढ़ के बहुत हाई हो जाती है, उसके बाद वो काम का नहीं रहता, इसलिए हम उसे रिप्लेस कर देते हैं। तो जितनी बार चार्ज और डिस्चार्ज होगा, यानी जितने ज्यादा यूज होगा, क्योंकि डिस्चार्ज तो तभी होगा जब यूज होगा, तो जितना ज्यादा यूज होगा बैटरी उतने ज्यादा क्या होगा कि उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ता जाएगा, और चूंकि इंटरनल रेजिस्टेंस उतना ही ज्यादा बढ़ता जाएगा तो वो बैटरी फिर हमारे काम का नहीं रहेगा। एक बार एक समय आएगा जब इंटरनल रेजिस्टेंस इतना हाई हो जाएगा कि फिर उसमें करंट का फ्लो होना मुश्किल हो जाएगा, तब हम कहते हैं बहुत छोटा सा जरा सा करंट फ्लो होगा, और फिर क्या होता है कि उतना करंट बहुत जल्दी खर्च हो जाता है। तो जैसे जैसे बैटरी का यूज बढ़ता जाता है, उसके काम करने की अवधि घटती जाती है। आपका मोबाइल जो आपने खरीदा है, पहले जब आप चार्ज करते होंगे तो हो सकता है कि पूरा दिन आपको कितना भी आप नेट चलाएं, आप कोई यूट्यूब देखें या कुछ सोशल मीडिया पे काम कर रहे हो या कुछ देख रहे हो या पढ़ रहे हो, तो हो सकता है कि पूरा दिन आपको चार्ज करने की जरूरत नहीं पड़ती होगी। लेकिन जैसे जैसे आपने 1-2 महीना इस्तेमाल कर लिया, तो उसके बाद शाम होते होते बैटरी रिचार्ज करने की जरूरत पड़ती है। जब आपने उसको साल से ज्यादा यूज कर लिया, तब आप देखते हैं कि सवेरे चार्ज करते हैं और फिर दोपहर में ही उसकी चार्ज खत्म होने लगती है। 1-2 साल बाद और देखेंगे तो देखेंगे कि चार्ज करते हैं तो फुल चार्ज तो दिखा रहा होता है, लेकिन 2 घंटे में ही बैटरी खत्म हो जाती है, क्योंकि रेजिस्टेंस बढ़ जाता है तो करंट फ्लो होने की और उसकी चार्ज होने की कैपेसिटी धीरे धीरे कम हो जाती है। और फाइनली आपको ऐसा होता है कि जब आप चार्ज में लगाए रहेंगे तभी आपका मोबाइल काम करेगा, जैसे ही चार्ज से स्विच ऑन कर ऑफ कर देंगे वो काम करना बंद कर दे, कि अपनी स्टोरेज जो है वो लगभग लगभग क्या हो जाता है, नेग्लिजिबल हो जाता है। फिर आप जाते हैं दुकानदार के पास, तो कहता है कि इस बैटरी बेकार हो गई, इसको निकालिए, दूसरी बैटरी लगाइए। तो ये है कि हर एक
सेल का एक इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, जैसे जैसे आप यूज करेंगे वैसे वैसे उसका इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ता जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया। और इंटरनल रेजिस्टेंस किसकी वजह से होता है, तो इलेक्ट्रोड्स और इलेक्ट्रोलाइट्स जो है ये करंट के फ्लो में क्या करते हैं, ऑब्स्टिकल क्रिएट करते हैं, और इसकी वजह से वहां पे जो करंट का फ्लो है वो बाधित होता है, वो रेजिस्ट होता है, और जिससे हम कहते हैं कि इसमें रेजिस्टेंस है। सो इंटरनल रेजिस्टेंस हर एक सेल के अंदर होता है, ये कम या ज्यादा हो सकता है बट होता अवश्य है। नेक्स्ट पॉइंट है थर्मल पोटेंशियल डिफरेंस। थर्मल पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, डिफरेंस या सिर्फ पोटेंशियल डिफरेंस भी कहते हैं, ये क्या है? द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स, इज कॉल्ड थर्मल पोटेंशियल डिफरेंस, थर्मल पोटेंशियल डिफरेंस। क्या दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच में अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंस होता है? इन ए क्लोज सर्किट, इन ए क्लोज सर्किट, सर्किट जब क्लोज, तो क्लोज मतलब जब व्हेन करंट इज ड्रॉन थ्रू क्लोज सर्किट, सर्किट दैट इज व्हेन करंट इज ड्रॉन थ्रू इट, दैट इज व्हेन करंट इज ड्रॉन थ्रू इट, ड्रॉन थ्रू सर्किट से, जब बैटरी से होता है। क्या है कि अगर हम यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस, ये मान लेते हैं कि इंटरनल रेजिस्टेंस है, इसको अगर हम किसी बैटरी से जोड़ दें, ये प्लस ये माइनस, और यहाँ पर एक स्विच लगा दें जो मान लीजिए ऑन है, है ना, ये स्विच लगा दें और ये ऑन है, तो क्या होगा, यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस है। इसको जोड़ने के लिए अगर आप एक वोल्ट मीटर लगाएंगे यहाँ पे वोल्टमीटर, तो आप देखेंगे कि इन दोनों टर्मिनल के बीच में, इसके और इसके बीच में, ए और बी टर्मिनल जो हैं, इनके बीच में कुछ पोटेंशियल डिफरेंस है। इस पोटेंशियल डिफरेंस इसलिए होता है कि इसके अंदर एक इंटरनल रेजिस्टेंस आर होता है। अब करंट ड्रॉ हो रहा है तो इंटरनल रेजिस्टेंस आर की वजह से कुछ पोटेंशियल ड्रॉप होता है, और जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा तो यहां से पोटेंशियल ड्रॉप जितना होगा उतना ही यहाँ पे अंतर होगा। पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द इंटरनल रेजिस्टेंस, अक्रॉस द सेल ड्यू टू इंटरनल रेजिस्टेंस इज कॉल्ड थर्मल पोटेंशियल ड्रॉप, एंड द डिफरेंस बिटवीन दीज टू इलेक्ट्रोड्स इज कॉल्ड थर्मल पोटेंशियल डिफरेंस। तो आपको ईएमएफ के बारे में हमने बताया था कि ये अगर आर है और ये बैटरी है, ये प्लस और माइनस है, तो अगर इसमें ये सर्किट ओपन है मान लीजिए, तो इसके बीच में जो दोनों टर्मिनल्स हैं, ये सेल के दोनों टर्मिनल्स हैं, तो इनके बीच में ये क्या है कि अगर सर्किट ये ओपन है तो यहाँ पे करंट कोई फ्लो नहीं हो रहा, करंट कोई फ्लो नहीं हो रहा, तो इस इलेक्ट्रोड और इस इलेक्ट्रोड के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो बराबर ही होगा, क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंस का तब कोई रोल प्ले नहीं होगा, क्योंकि करंट फ्लो होता नहीं, करंट फ्लो हो नहीं रहा तो पोटेंशियल ड्रॉप होगा नहीं, और पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा तब हम कहेंगे इसको ईएमएफ। तो ईएमएफ जो होता है तब वी के बराबर होता है, दैट इज मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस। तो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस को हम कहते हैं क्या, तो थर्मल पोटेंशियल डिफरेंस, है ना, ये बराबर होगा, ईएमएफ के बराबर भी होगा। लेकिन जैसे ही करंट फ्लो होने लग जाएगा, इस इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से पोटेंशियल ड्रॉप होगा, और पोटेंशियल ड्रॉप होगा तो दोनों इलेक्ट्रोड के बीच पर पोटेंशियल अलग अलग होंगे, उनके बीच के डिफरेंस को थर्मल पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल डिफरेंस कहा जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस आर की वजह से अगर इसमें करंट आई फ्लो हो रहा है तो पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा, आई आर जो होगा पोटेंशियल ड्रॉप होगा, पोटेंशियल ड्रॉप ड्यू टू इंटरनल सेल, इंटरनल रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस
रेजिस्टेंस इज इक्वल टू आई आर। तो ईएमएफ जो होता है वो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस होता है। इसका मतलब है कि ईएमएफ जो होगा ई वो हमेशा वी से बड़ा होगा, वी जो होगा वो पोटेंशियल तरफ होगा, वी इज ऑलवेज लेस देन जब करंट क्लोज होगा इन क्लोज सर्किट, इन क्लोज सर्किट ये ओपन सर्किट है, दिस इज एन ओपन सर्किट है ये, है ना, और ये है क्लोज सर्किट, क्लोज सर्किट। तो क्लोज सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा, क्लोज सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस होगा, तो पोटेंशियल ड्रॉप आई होगा, तो इन क्लोज सर्किट E इज इक्वल टू वी इज इक्वल टू क्या होगा, टोटल ई एम एफ माइनस आई आर होगा, ये पोटेंशियल ड्रॉप इतना हो जाएगा आई आर, टोटल ई एम एफ में से आई आर होगा, ये ड्रॉप होगा ड्यू टू इंटरनल रेजिस्टेंस। तो कहीं भी अगर इंटरनल रेजिस्टेंस की बात आएगी, पोटेंशियल ड्रॉप अगर कोई एक्सटर्नल रेजिस्टेंस भी काम नहीं कर रहा है और इवन दो उसमें करंट फ्लो हो रही है तो उसमें पोटेंशियल ड्रॉप होगा। अगर एक इंटरनल रेजिस्टेंस के साथ साथ सेल के साथ साथ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस भी लगा होगा, अगर मान लीजिए कि ये मैं कहूं कि यहाँ पे ये सेल है और इस सेल के साथ एक इंटरनल रेजिस्टेंस इसकी आर है, जैसा कि अभी हमने कहा यहाँ पे वोल्ट मीटर लगा दिया, वोल्ट मीटर और ये दोनों पॉइंट के बीच में यहाँ पे एक और रेजिस्टेंस लगा हुआ है जिसकी है कैपेसिटी आर। तो अब नेट रेजिस्टेंस कितना है इस पूरी सर्किट में, सो टोटल रेजिस्टेंस इन द सर्किट, रेजिस्टेंस इन द सर्किट विल बी, सर्किट विल बी आर प्लस आर, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस, एंड देयरफॉर मैक्सिमम करंट दैट कैन बी फ्लो, मैक्सिमम करंट फ्लोइंग थ्रू सर्किट, थ्रू सर्किट इज व्हाट, सर्किट आई इज इक्वल टू मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज ईएमएफ अपॉन मैक्सिमम रेजिस्टर्स दैट इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस दैट इज आर प्लस आर। तो आई इज इक्वल टू ई अपॉन आर प्लस आर, ये एक एक्सप्रेशन है जिसे आपको याद रखना चाहिए, है ना, ये एक्सप्रेशन है जिसे आपको याद रखना चाहिए, ठीक है। जरा नाम दे दें कि ये पॉइंट ए है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के क्रॉस और ये पॉइंट बी है, तो यहाँ पे जो पॉजिटिव टर्मिनल पे जितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना ही यहाँ पे भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा, है ना। तो ए पर पॉजिटिव टर्मिनल के जितना पॉजिटिव जो पोटेंशियल होगा वही ए पे होगा और निगेटिव टर्मिनल पे जितना पोटेंशियल होगा वही बी पर होगा। तो इसका मतलब है कि इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस और ये दोनों ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, सेम होगा। इसका मतलब है कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस टू एंड ऑफ सेल इज सेम एज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एक्सटर्नल रेजिस्टर आर। इसलिए जब भी आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालनी होती है तो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड और निगेटिव इलेक्ट्रोड के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, एक सिंगल अगर रेजिस्टेंस जोड़ा गया है उतना ही इनके बीच में भी होगा। पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पे पोटेंशियल होगा उतना ही ए पे होगा, निगेटिव इलेक्ट्रोड पे जितना पोटेंशियल होगा उतना ही बी पे होगा। सो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस टू इलेक्ट्रोड्स, देयरफॉर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस two electrodes is same as the potential difference across two ends of external resistance R, that is between A and B. So potential difference A और B के बीच में जितना होगा उतना ही इसमें होगा। तो अब ये मान लीजिए कि करंट I फ्लो हो रहा है तो इसमें R है, तो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस A एंड B, therefore पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस A एंड B
डिफरेंस अक्रॉस ए एंड बी इज वी इज इक्वल टू व्हाट आई आर, एंड आई अभी हमने कैलकुलेट किया है ई अपॉन कितना, ई अपॉन आर प्लस आर इंटू आर, ये है वी, तो वी इज इक्वल टू ई अपॉन आर प्लस आर, ऐसा हो गया क्योंकि अभी हमने किया है आई इज इक्वल टू मैक्सिमम करंट जो होता है मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन मैक्सिमम रेजिस्टेंस, तो ये हमें पता है अभी हमने पीछे इसको किया था, तो v इज इक्वल टू आर प्लस आर। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम r प्लस आर को इधर ले आए तो ये हो जाएगा e बाई वी इंटू आर, और r को लिखें तो हम लिख सकते हैं e r बाई वी माइनस आर, ये प्लस आर इधर रख माइनस आर हो जाएगा। अब r कॉमन ले लिया जाए तो क्या हो जाएगा, r कॉमन ले लेंगे तो e बाई वी माइनस वन दैट इज e माइनस वी बाई वी इंटू आर, ये भी लिख सकते हैं, इसलिए इंटरनल रेजिस्टेंस जो होगा वो होगा ई माइनस वी बाई वी इंटू आर। ये एक एक्सप्रेशन है जो आपको याद रखना चाहिए, ई माइनस वी, वी हमेशा ई से छोटा होता है तो ये पॉजिटिव होगा, और डिवाइडेड बाई वी तो ये मल्टीप्लाई बाई एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, That is the expression for internal resistance. I hope आपको समझ में आ गया होगा। एक बात और ध्यान रखने वाली है कि जब हम इसको चार्जर से जोड़ दें, मान लीजिए कि चार्जर से जोड़ दें, तो ऐसी स्थिति में अभी हमने आपको बताया था ऊपर के एक्सप्रेशन में कि E माइनस वी इज इक्वल टू क्या होता है, तो E माइनस आई आर होता है ना, ये पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस बैटरी। अब बैटरी में से करंट निकल रहा है, लेकिन अगर इसको कोई सी एक्सटर्नल चार्जर से फिर बैटरी को भी चार्ज किया जाने किया जाए तो क्या होगा, करंट फ्लो होगा फ्रॉम पॉजिटिव इलेक्ट्रोड टू नेगेटिव इलेक्ट्रोड। इसका मतलब है कि जो पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा था ड्यू टू इंटरनल रेजिस्टेंस वो ड्रॉप होगा, नुकसान नहीं होगा बल्कि उतना बढ़ेगा। इन दैट केस पोटेंशियल डिफरेंस व्हेन कनेक्टेड बाय चार्जर व्हेन बैटरी इज सेल इज connected with charger, then potential difference, then current flow, पहले ये लिख देता हूं, current will flow from positive electrode to negative electrode. पॉजिटिव इलेक्ट्रोड टू निगेटिव इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रोड एंड देयर फोर देन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए एंड बी विल बी वी इज इक्वल टू ई प्लस आई आर, that is potential is more than that is thermal potential difference difference will be more than EMF। जनरली लोगों के कंसेप्ट में होता है, हम भी पहले आपको बताए कि जब हम सिर्फ बैटरी से कनेक्ट करते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा ईएमएफ से कम होगा, तो ये हमेशा कम होता है, ये बात बच्चे पकड़ तो लेते हैं कि सर ने कहा था कि पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा कम होता है इसलिए हम हमेशा कम करते हैं, लेकिन ये बात भूल जाते हैं कि जब उसे एक्सटर्नल चार्जर से चार्ज किया जाए तो ऐसी स्थिति में जो थर्मल पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो ईएमएफ से ज्यादा होगा, क्योंकि ऐसी स्थिति में करंट लगातार फ्लो होता रहता है और पॉजिटिव इलेक्ट्रोड से नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ करंट का फ्लो होता है, इसलिए उसका पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ जाता है। ईएमएफ में तो फिक्स था, कांस्टेंट था जब सर्किट ओपन था, जब चार्जर से उसे कनेक्ट भी करने लगे करंट विड्रॉ होने लगा तो उसका ईएमएफ जो है वो तो उतना ही रहता है, ब्लड पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो बढ़ जाता है क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंस की तरह से आईआर पॉजिटिव हो जाता है, तो ये एक इम्पोर्टेंट बात थी।
तो इसका मतलब ये हुआ कि जब बैटरी डिस्चार्ज हो रही है, सेल डिस्चार्ज हो रहा है, तो पोटेंशियल डिफरेंस, थर्मल पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो बैटरी से कम होगा, और जब चार्ज हो रहा होगा तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि थर्मल पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो ईएमएफ से ज्यादा होगा। तो चार्जिंग और डिस्चार्जिंग दोनों के केस में ज्यादा या कम हो सकता है। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब सेल की कम्बिनेशन, हालांकि ये सिलेबस में नहीं है, लेकिन न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा इसकी नॉलेज होनी जरूरी है, तो इसलिए मैं इस पे स्टार लगा देता हूँ। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, थोड़ा शॉर्ट में ही पढ़ा दूंगा, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। यहाँ भी रेजिस्टेंस की तरह दो तरह के कॉम्बिनेशन होते हैं, एक इन सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होगा, ये एक सेल है, ये पॉजिटिव निगेटिव, ये फिर ये पॉजिटिव, फिर निगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर निगेटिव, है ना। इस तरह से तीन सेल जुड़े हुए हैं, C1, C2, C3, तीन सेल हैं, प्लस माइनस, प्लस माइनस, प्लस और माइनस, ठीक है। ये तीन सेल अगर जुड़े हुए हैं तो ये सीरीज में कहलाएंगे। अब हर एक का लेट आर बी द इंटरनल रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ इच सेल, इच सेल, ठीक है। और इस तरह से मान लेते हैं कि कितने सेल जुड़े हैं जी, एन सेल जुड़े हुए, एन सेल जुड़े हुए हैं, ये है सी एन। सो टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस इच सेल एंड देयर फोर टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस, therefore total internal resistance, internal resistance of n cell, resistance of n cells will be r plus r n times, that is r plus r plus r, that is n times for n cell, and what is that, that is nr। अब इसी सर्किट में एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस भी लगा दिया जाए, जैसे ये हमने बनाया, फिर ये, फिर ये, फिर ये तीन ऐसे जोड़े हैं, मान लीजिए एन जोड़ा हुआ है, और इसी में, इसी सर्किट में एक रेजिस्टेंस और जोड़ दिया जाए, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा। अरे हर एक सेल की ईएमएफ ई है, ई है, ई है इसका ईएमएफ, तो टोटल ईएमएफ भी हो जाएगा एन ई, ठीक है। इस तरह से ये सर्किट अगर जोड़ करके एन सेल यहाँ पे की लगा हो मान लीजिए, तो टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस तो हो गया एन आर, टोटल ईएमएफ, टोटल ईएमएफ ऑफ एन सेल इज इक्वल टू ई प्लस ई प्लस ई, ये भी सीरीज में जुड़ा हुआ है, एन टाइम्स व्हाट इज दैट, दैट इज एन ई, टोटल ईएमएफ हो गया एन ई, है ना। तो टोटल ईएमएफ ऑफ एन सेल्स इज एन ई। अब टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, देयरफॉर टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट, रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट, सर्किट इज व्हाट, एन आर प्लस आर, राइट। और टोटल ईएमएफ ये है, एंड देयरफॉर करंट थ्रू द सर्किट, थ्रू द सर्किट, करंट थ्रू द सर्किट आई इज इक्वल टू व्हाट, आई इज इक्वल टू एन ई अपॉन एन आर प्लस आर, आई इज इक्वल टू ये होगा, ठीक है, ये एक एक्सप्रेशन हो गया, आई इज इक्वल टू एन ई अपॉन एन आर प्लस आर, ये हो गया करंट, कोई दिक्कत। सो व्हाट विल हैपन, एन ई अपॉन एन आर प्लस आर। अब दो केसेज होंगे, केस फर्स्ट, केस फर्स्ट हम कर सकते हैं, व्हेन आर इज मच स्मॉलर देन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, दैट इज व्हेन इंटरनल रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस इज मच लेस देन देन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, इन दैट केस व्हाट विल हैपन, एन आर इज, देयरफॉर एन आर इज नेग्लिजिबल,
जी बिल्कुल, एंड दैट केस करंट विड्रॉन इज इक्वल टू एन ई अपॉन आर, दैट इज एन टाइम्स ऑफ ई बाई आर, दैट इज एन टाइम्स ऑफ करंट ड्रॉन थ्रू सिंगल सेल, करंट ड्रॉन थ्रू सिंगल सेल, सिंगल सेल। इसलिए अगर हम क्या करते हैं कि ज्यादा सेल लगाते हैं तो करंट मल्टीपल होता जाता है। टॉर्च में आपने देखा होगा कि एक बैटरी के बजाय हम क्या लगाते हैं, दो बैटरी, तीन सेल का टॉर्च होता है। तो जितना सेल का टॉर्च होता है उतनी बैटरी लगाते हैं और करंट उतनी ही ज्यादा हो जाता है, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा। बैटरी लगाने से करंट का मैग्नीट्यूड बढ़ जाता है, उनका इंटरनल रेजिस्टेंस अगर नेग्लिजिबल माना जाए तो एक सेल से जितनी करंट ड्रॉ हो सकती है, अगर तीन सेल लगाएंगे तो 3 गुनी होगी, 4 सेल लगाएंगे तो 4 गुनी होगी। बड़े बड़े पहले टॉर्च होते थे गाँव में, उसमें 4-5 सेल भी लगते थे और उसमें खूब तेज रोशनी होती थी, क्योंकि करंट का मैग्नीट्यूड 5 टाइम्स हो जाता था एक सेल के मुकाबले। ठीक है, तो आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। दूसरा केस हो सकता है इसी में कि क्या होगा दूसरा केस, केस टू, व्हेन आर इज मच लेसर देन इंटरनल रेजिस्टेंस। इन दैट केस करंट क्या होगा, दैट इज एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस इज मच लेसर देन इंटरनल रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस, है ना। तो क्या होगा, तो आर देयर फॉर आर इन दिस केस आर इज नेग्लिजिबल, जीवन करंट आई इज इक्वल टू एन ई अपॉन एन आर प्लस आर होता है। अगर आर को नेग्लिजिबल रख दें, आर इज इक्वल टू 0 रख दें, तो क्या मिल जाएगा, आई इज इक्वल टू एन ई अपॉन एन आर हो गया, एन से एन कट गया, यानी ये हो गया ई अपॉन आर, यानी ये क्या है, करंट इन द एक्सटर्नल सर्किट। और सिंगल सेल में भी इतना ही होता है, यानी कई सारे सेल जोड़ने से कोई फायदा नहीं होगा। देन करंट इन द सर्किट, करंट इन इज सेम एज द करंट इन एक्सटर्नल सर्किट, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस सर्किट में, ठीक है ना, ड्यू टू सिंगल सेल, सिंगल सेल, यानी सेल कई जोड़ने से कोई फायदा नहीं हुआ अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में निग्लिजिबल है, आर निग्लिजिबल है, तो बहुत सारा सेल जोड़ भी दोगे तो उसमें करंट का मैग्नीट्यूड जो होगा वो सिंगल सेल के बराबर ही होगा, ज्यादा सेल जोड़ने से कोई फायदा नहीं होगा। तो डिपेंड कर रहा है ऐसा सिचुएशन पे। अब है कनेक्शन इन पैरेलल, तो कम्बिनेशन इन पैरेलल, सेकेंड कॉम्बिनेशन इन पैरेलल, इन पैरेलल, या पैरेलल कॉम्बिनेशन कुछ भी कह सकते हैं। इसका मतलब है कि एक बैटरी यहां लगाया है ना, एक बैटरी यहां लगाया और एक बैटरी यहां लगाया है ना। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, ऐसी स्थिति में क्या होगा, इसी तरह से एन सेल हो सकते हैं, है ना, हमने कोई ये 3 लगाया है, और भी हो सकते हैं इसके बीच में मान लेते हैं। तो ये है E1, ये है E2 और ये है E3, चाहे आप मान सकते हैं ये सेल का, या C1 C2 C3 नाम दे दीजिए, सबका EMF क्या है, E है, नाम दे देते हैं C1 C2 C3 और सबका EMF कितना है, E, E है इसका EMF। तो इसी तरह से ये दोनों ही एक टर्मिनल के बीच में यहां पर ए से जुड़े हैं और यहां पर बी से जुड़े हैं, और बाहर में एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर लगा हुआ है, एक की लगी हुई है, और इस तरह से कम्बिनेशन कहा जाएगा। अब इस पैरेलल कम्बिनेशन में क्या है, देखिए इन सबका बैटरी का एक इंटरनल रेजिस्टेंस आर होगा, आर होगा, आर होगा, ये चूंकि सारे इंटरनल रेजिस्टेंस पैरेलल कम्बिनेशन में जुड़े हुए हैं तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R इक्विवेलेंट जो होगा, इक्विवेलेंट इज गिवन बाई
वन बाई आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू वन बाई आर प्लस वन बाई आर प्लस वन बाई आर, ऐसे एन टाइम्स तक, वन बाई आर एन टाइम्स, है ना? ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, एन बाई आर हो जाएगा, वन बाई वन प्लस वन प्लस वन, आर इक्विवेलेंट इज वन बाई एन बाई आर, इसलिए देयर फोर आर इक्विवेलेंट इज आर बाई एन। ठीक है, नाउ ये रेजिस्टेंस भी आ रहा है, तो इन सब के बदले तो हो गया आर बाई एन। अब ये सारा रेजिस्टेंस इसके साथ सीरीज में जुड़ा हुआ है, तो इसलिए टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट विल बी व्हाट, आर प्लस आर बाई एन, है ना? ये हो गया आर प्लस आर बाई एन, एन से जोड़ने से आर प्लस आर बाई एन हो गया, एंड देयर फोर मैक्सिमम करंट थ्रू द सर्किट इज। अब करंट ये विड्रॉ होगा तो या तो इससे विड्रॉ होगा या इससे, सब में से एन सेल लगाने के बावजूद भी करंट जो विड्रॉ होगा वो किसी एक सेल के ईएमएफ के बराबर ही होगा, एक से ज्यादा सेल के बराबर नहीं होगा, यानी सिंगल सेल के बराबर ही होगा। तो आई इज इक्वल टू ईएमएफ, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस दोनों ही एंड के बीच में सेम है, चाहे इस सेल को ले लो, चाहे इस सेल को ले लो, चाहे इस सेल को ले लो, तो ई अपॉन टोटल रेजिस्टेंस आर प्लस आर बाई एन, ये फॉर्मूला हो गया आर प्लस आर बाई एन, है ना? तो आपको मिल गया कि आई इज इक्वल टू ई अपॉन आर प्लस आर बाई एन। ठीक है, इसको आप लिख सकते हैं एन ई अपॉन एन आर प्लस आर, लिख सकते हैं ऐसा, है ना? क्योंकि एलसीएम ले लिया। अब ये एक एक्सप्रेशन हो गया। अब फिर दो केस होगा, केस फर्स्ट व्हेन आर इज मच लेसर देन आर, दैट इज इंटरनल रेजिस्टेंस इज मच लेसर देन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, इन दैट केस व्हाट विल हैपन, एन आर इज नेग्लिजिबल, नेग्लिजिबल, है ना? तो ऐसी केस में क्या होगा, देयरफॉर आई इज इक्वल टू एन ई अपॉन एन आर होगा, और ये जीरो हो गया, इसको नेग्लिजिबल मान लिया, यानी एन ई अपॉन एन आर, इसका मतलब हुआ एन से एन कट गया तो ई अपॉन आर हुआ, यानी व्हिच इज इक्वल टू द करंट इन द एक्सटर्नल सर्किट ड्यू टू सिंगल सेल, इसमें करंट मल्टीप्लाई नहीं होगा, पैरेलल में जोड़ने से कोई फायदा नहीं हुआ, एक सेल से जितना करंट विड्रॉ हो रहा था 10 से लगा दिए, 20 से लगा दिए, 50 से लगा दिए, तब भी उतना ही करंट विड्रॉ होगा, यानी जब इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत नेग्लिजिबल हो तब कोई फायदा नहीं होगा ज्यादा सेल रखने से। व्हेन आर इज कैपिटल आर इज मच लेसर देन स्मॉल आर, व्हेन कैपिटल आर इज मच लेसर देन स्मॉल आर, इन दैट केस कैपिटल आर इज नेग्लिजिबल। ठीक है, सो इन दैट केस व्हाट विल हैपन, इन दैट केस आई इज इक्वल टू, हम आर को नेग्लेक्ट करेंगे तो एन आर नेग्लेक्ट हो जाएगा, एन ई बाई आर बच जाएगा, दैट इज एन टाइम्स ऑफ ई बाई आर, यानी एन टाइम्स ऑफ द करंट ड्रॉन ड्यू टू सिंगल सेल, सिंगल सेल। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में ये होगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन में ये केसेज होंगे और सीरीज कॉम्बिनेशन में वो केसेज होंगे, थोड़ा सा डिफरेंट है, एक दूसरे के उल्टे हैं, आप इस बात को समझ पाएंगे निश्चित रूप से। और इसी तरह का मिक्स कॉम्बिनेशन ऑफ सेल होगा, जिससे रेजिस्टेंस होती थी तो जहां पे सीरीज होगी सीरीज कर लेंगे, जहां पे पैरेलल होगी वो पैरेलल कॉम्बिनेशन कर लेंगे। आपको ये दोनों बातें याद रखनी है फॉर्मूले के तौर पर, और इससे आपका क्वेश्चन निश्चित रूप से सॉल्व होगा। सो आगे की क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हम अगले वीडियो में बात करेंगे, क्या होगा अगली टॉपिक होगी करंट का, उसमें हम लोग किरचॉफ्स लॉ के बारे में बात करेंगे, व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में बात करेंगे, उसके बाद उसके एप्लीकेशंस के बारे में बात करेंगे, जैसे पोटेंशियोमीटर है एटसेट्रा, और उसके बाद फिर हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे, एनसीईआरटी के जितने भी न्यूमेरिकल्स होंगे उसको किया जाएगा, और उसके बाद और डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी किए जाएंगे।
जेई के लिए, ठीक है ना। ओके, थैंक यू, बाय।